अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरे देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर आ रही है, वकूद ओपन रास लफान पेट्रोल स्टेशन। दोस्तों, जैसा कि यदि आप कतर में रहते होगे तो आपको पता होगा वकूद दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप दोस्तों, मतलब पेट्रोलियम की वो कंपनी है। तो दोस्तों वहाँ कतर फ्यूल वकूद ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया कि रास लफान पेट्रोल स्टेशन जो है रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया में दोस्तों उसे ओपन कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसी पेट्रोल पंप को वहां पे ओपन किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप दोस्तों बनाया गया है और ये सो नेटवर्क जो है ये बनकर 107 हो चुका, मतलब टोटल 107 पेट्रोल पंप इनका हो चुका अब तक पूरे कतर में। और वहाँ के दोस्तों जो वकूद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सीईओ साद रसील अल मोहम्मदी साहब ने कहा है, वी आर प्लेस टू ओपन न्यू पेट्रोल स्टेशन रसलन इंडस्ट्री। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी शुक्रिया अदा किया सफी का और इसके लिए बोला आगे भी मैं ऐसा और भी कोशिश करूंगा देश में पेट्रोल पंप बनाने के लिए। अगली खबर साथियों, 362 फेस प्रिकॉशन फॉर कोविड-19 मेजर वॉलेशन। दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको 362 लोगों को फिर से आज के दिन वहां पे पकड़ा गया, जो कि कोविड-19 का वॉलेशन करने के लिए उन लोगों को पकड़ा गया, जो कि 282 लोग ऐसे थे जो मास्क नहीं पहने थे और 4 लोग ऐसे थे जो गाड़ी में 4 लोग से ज़्यादा बैठे हुए थे, 73 लोग ऐसे थे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और दोस्तों 4 लोग ऐसे थे जो कि एहतराज ऐप को बिना इंस्टॉल किए बिना ही वो लोग बाहर घूम रहे थे, जिसके बाद लॉ नंबर 17/1990 के तहत इन्फेक्शन या डिजीज़ को फैलाने में जो भी मदद करेगा उसको पकड़ा जाएगा, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, यदि पेनल्टी नहीं भरता तो उसको जेल भी जानी पड़ सकती है। अगली खबर साथियों, मेरी 440 हाई स्कूल स्टूडेंट कंप्लीट WCMQ एस्पायरिंग डॉक्टर प्रोग्राम। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको करीब करीब कतर में 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल अक्रॉस कतर कंप्लीटेड द चैलेंजिंग कतर एस्पायरिंग डॉक्टर प्रोग्राम, दोस्तों जिसे QADP भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों वहाँ के बच्चे भी बड़े बड़े मुकाम वहाँ पे धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं, जो कि जिनमें से दोस्तों फिजिकल साइंस के कुछ लोग थे, बायोलॉजी के कुछ थे और इंग्लिश एकेडमिक पर्पस के थे और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। अगली खबर साथियों, असगाल कतरी इमरी क्रॉप इंजीनियरिंग ज्वाइन हैंड टू एक्सचेंज एक्सपर्टीज। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको पब्लिक अथॉरिटी ऑफ असगाल और कतरी इमरी क्रॉप इंजीनियरिंग ये दोनों में दोस्तों वहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। दोस्तों, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो बताया गया डॉक्टर इंजीनियर साद अहमद अल मोहम्मदी साहब ने बताया है और वहाँ के पब्लिक अथॉरिटी ऑफ जो मेजर है जनरल ईशा बिन अली अल कुबैसी साहब, जो कमांडर है कतर इमरी क्रॉप्स के इंजीनियर साहब, उन्होंने बताया ये दोनों कंपनी इसलिए जुड़ी है ताकि एक दूसरे की मदद कर सके डेवलपमेंट के बारे में, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उस सभी चीज़ों में आगे तरक्की कर सके, मिलजुल कर काम कर सके। अगली खबर साथियों, हमारी अलमीरा QRCS ऑर्गेनाइज रमजान क्रिसेंट फेस्टिवल टू रेस डोनेशन फॉर फैमिली नीडेड। दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको अलमीरा कंज्यूमर गुड कंपनी एंड कतर रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने दोस्तों वहां पे रमजान को लेकर वहां पे काफी चीज दोस्तों एक कैंपेन लॉन्च किया, जिनमें से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जरूरत की चीज़ें दी जाएंगी। जैसे कि साथियों, बताना चाहूँगा ब्रांड ऑफ सीनियोरा, सदिया, शियारा, मजटी, अल अराला, केडीडी, डंडी, कोको कोला, हैंज, बहसलीन, वीटाबिक्स, केलोक, विक्टी, पंजनी, राफेल, सोलगाडो, हेलो पांडा, मैजिक टाइम, ग्रीन कोलगेट, ओरल बी, क्रेस्ट, जिलेट, सिचेक, ऑनलाइन न्यूट्रोजेना और OGX हार्पिक, ये सभी ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो ये कुछ खबर थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो।